टीवी सीरियल रिश्ता का कहलाता है कि कास्टिंग इन दिनों सुर्खियों में है। मेकर्स ने शहजादा धामी और प्रतीक्षा होनमुखे को एक झटके में बाहर निकालकर हर किसी को हैरान कर दिया था। इस शो में प्रतीक्षा और शहजादा रूही और अरमान के रोल में नजर आ रहे थे, जो अब रोहित पुरोहित और गर्विता साधवानी को मिल गया है। दोनों नए कलाकारों को फैंस ने अरमान और रूही के रोल में स्वीकार भी कर लिया है। इसी बीच फरमान हैदर ने एक बयान दिया है जिसने फैंस को हैरान कर दिया है। फरमान हैदर ने बताया है कि वह अरमान के रोल के लिए सबसे पहले अप्रोच हुए थे, लेकिन उन्होंने शो ठुकरा दिया। टीवी एक्टर फरमान हैदर आखिरी बार सीरियल सभी की सवारी में नजर आए थे। इस शो में वह समृद्धि शुक्ला के ऑन स्क्रीन पति के रोल में दिखे थे। ये रिश्ता का कहलाता है मैं भी समृद्धि शुक्ला फीमेल लीड रोल निभा रही हैं, और इसी वजह से मेकर्स ने फरमान हैदर को भी अप्रोच किया था। इस बात का खुलासा खुद एक्टर ने किया है। टेली चक्कर से बात करते हुए फरमान ने बताया है कि उन्हें अरमान का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन मैंने शो आईना साइन कर लिया था, इसलिए उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर से कहा कि उन्होंने पहले ही एक शो साइन कर लिया है और वह उसे बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। अब शहजादा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया और रोहित को फाइनल कर लिया गया, तो उन्हें दोबारा शो के लिए अप्रोच किया गया। फरमान ने कहा कि उन्हें फ़ोन तो आया, लेकिन सीधे निर्माता की तरफ से नहीं बल्कि कुछ कोऑर्डिनेटर के जरिए मुझे कॉल किया गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि वह चीज़ों को अभी आखिरी रूप देने में बिजी हैं। अगर उन्हें फ्यूचर में ये रिश्ता का कहलाता है कि टीम के साथ जुड़ने का मौका मिलता है तो ज़रूर जुड़ेंगे। बता दें कि फरमान हैदर ने प्रतीक्षा होनमुखे और शहजादा धामी के विवाद पर भी अपनी राय दी थी। फरमान हैदर ने कहा कि इस विवाद के बारे में मेकर्स और एक्टर्स इन दोनों को ही सब कुछ पता होगा, इसी वजह से किसी तीसरे को इस मामले में नहीं बोलना चाहिए। इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।